वेलकम टू इंडिया स्टडी। दोस्तों आज है 18 दिसंबर 2019 और 18 दिसंबर 2019 के जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो सारे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए 2019 DSC, ठीक है, DSC पुरस्कार किसने जीता है दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए 2019 का DSC पुरस्कार। ऑप्शन है अमर्त्य सेन, ठीक है, बी है अर्पणा सेन, सी है अभिजीत बनर्जी और डी है अमिताभ बागची। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ बागची ने 2019 का DSC पुरस्कार साहित्य के लिए DSC पुरस्कार जीता है। ठीक है, और अपने किस रचना के लिए जीता है, तो हाफ द नाइट गॉन, ठीक है, इनकी रचना है एक हाफ द नाइट गॉन, उसके लिए जीती है, हाफ द नाइट गॉन के लिए। ठीक है, उसके बाद चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने एक रोबोट सुरेना विकसित किया है जो 100 भाषाओं को बोल और अनुवाद कर सकता है। तो किस विश्वविद्यालय ने रोबोट सुरेना विकसित किया है, ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय और सी है तेहरान विश्वविद्यालय और डी है कुवैत विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, तेहरान विश्वविद्यालय ने एक रोबोट सुरेना विकसित किया है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तेहरान यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो 100 अलग अलग भाषाओं को समझ बोल और ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, यह चेहरे को भी पहचान सकता है और यहाँ तक कि एक फुटबॉल को भी किक कर सकता है। इसका नाम सुरेना रखा गया है, इसका वजन 70 किलो है और यह 0.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। ठीक है, तो सुरेना के बारे में आप लोग को पूरा पता चल गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे फास्ट ट्रैक के अनिवार्य कार्यान्वयन के लिए नई विस्तारित तारीख क्या है। ठीक है, तो इसके लिए तारीख चेंज कर दी गई है। ठीक है, फास्ट ट्रैक के लिए तो नई तारीख क्या है, ऑप्शन है 1 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी और 15 जनवरी। तो थ्री का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, 15 जनवरी तक इसकी डेट बढ़ाकर कर दी गई है फास्ट ट्रैक के लिए। चलिए चलते हैं फोर नंबर क्वेश्चन पे। फोर नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था। तो ठीक है, अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ, उसका नाम क्या था, ऑप्शन है आशा किरण, बी सूर्या किरण, सी नया सवेरा और डी विजय रथ। तो फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, सूर्या किरण उसका नाम था, भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, इनमें दोनों देशों के कितने सैनिकों ने भाग लिया था, 300 सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक है, अब चलिए चलते फाइव नंबर क्वेश्चन में। फाइव नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना का अगला प्रमुख कौन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है ए मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, बी है गोविंद सहाय और सी है विवेक पाल मंडल, डी है अश्विनी कुमार बत्रा। तो भारतीय सेना का अगला प्रमुख कौन होगा, अभी जो है उसके बाद कौन सा प्रमुख बनने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइव का हो जाएगा ए, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे बनने वाले हैं अगले यहाँ पे थल सेना का, ठीक है, वायु प्रमुख बनने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, भारतीय सेना के उप प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे। ठीक है, चीफ है, वर्तमान सेना के प्रमुख कौन है, बिपिन रावत है, जो कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहा है और रिटायर हो रहा है 31 दिसंबर को 2019 को। ठीक है, नरवणे ने अपने 37 साल के कार्यकाल में सेना में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। तो उम्मीद हो कि इनके बारे में भी, मनोज मुकुंद नरवणे के बारे में भी आपको पूरा पता चल गया होगा। चलिए चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश कौन है। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश, ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, श्रीलंका। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, भारत पहला देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करने वाला। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पे। सेवन नंबर क्वेश्चन है, CAB बिल धार्मिक अल्पसंख्यकों का स्वागत नहीं करता है, जिसमें से निम्न में से कौन निम्नलिखित देशों के बीच है। ठीक है, CAB बिल का ऑप्शन है पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, मलेशिया राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। ये जो नागरिकता बिल है उसके बारे में बात की गई, नागरिकता बिल में तीन देश के यहाँ पे लोगों के बात की गई है, मलेशिया की बात नहीं की गई है, जो भारत के पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के बारे में बात की गई नागरिकता बिल के अंदर। एट है, किस राष्ट्र ने WEF के जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो WEF के जेंडर गैप इंडेक्स में 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन स्वीडन, बी नॉर्वे, सी आइसलैंडिक और डी फिनलैंड।
तो एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, आइस लैंडिंग राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत को जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को किस स्थान पर रखा गया, ऑप्शन है 110, 97, 88 और 112। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, 112वें स्थान पर रखा गया भारत को जेंडर गैप इंडेक्स में। और नंबर 1 पे किसे रखा गया है, तो आइसलैंडिंग को जेंडर गैप इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। अब चलिए चलते आज के लास्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है आज का, 2007 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को उनके गैर कानूनी आपातकाल के लिए मौत की सज़ा दी गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका। 2007 में पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से आपातकाल लागू किया था, तो उसको मौत की सज़ा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के थे, ठीक है। अब चलिए किस देश यहाँ पर बोला गया है, तो पाकिस्तान के थे। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को 2007 में आपातकाल लगाने के अपने गैर कानूनी फैसले के लिए मौत की सज़ा दी गई थी, ठीक है, आपातकाल लगाने के लिए 2007 में गैर कानूनी ढंग से। यह फैसला 17 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सुनाया था। तो 17 दिसंबर यानी कल के डेट में 17 दिसंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ को फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 18 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर, जो कि आपके रेलवे और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।